दुर्जनपुर हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को न्यायालय ने धारा 167 के रिमांड पर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। आरोपी धीरेन्द्र की तरफ से न्यायिक लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता हरिवंश सिंह ने बताया कि आज केवल रिमांड बना है और जेल गए हैं। अगर रिमांड की दरखास्त आती है तो पुनः जेल से तलब होकर आएंगे, जिसमें जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। बताया कि धारा 302 के अलावा कुछ छोटी छोटी धाराएं लगी हैं, आगे सीजीएम के यहां दरख्वास्त पड़ेगी, जहां ऑब्जेक्शन नहीं होगा खारिज कर दिया जाएगा, जिसके बाद जीआरएफए के यहां जाहिर दाखिल होगा, उसके बाद बेल पर बहस होगी, जो होना होगा वही होगा। मामला बहुत गंभीर है, मीडिया ट्रायल है, इसलिए यहां से बेल होने की संभावना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। जी आपका परिचय? मेरा नाम हरिवंश सिंह है, मैं पूर्व क्रिमिनल बार अध्यक्ष हूँ एसोसिएशन बलिया का। आज क्या आप धीरेन्द्र सिंह के तरफ से उनका वो कर रहे हैं? अच्छा है कि धीरेन्द्र सिंह का रिमांड बना है, 167 का रिमांड बना है, 14 दिन की जेल हिरासत में गए। क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण में? आज केवल रिमांड बना है और जेल गए हैं। अब उसके बाद क्या, यदि रिमांड की दरखास्त आती है तो पुनः जेल से तलब होकर आएंगे और रिमांड पर पुलिस यदि मांगेगी तो दे भी सकते हैं सीएम साहब, नहीं भी दे सकते हैं। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं 302 मुख्य है उसमें, और छोटी छोटी दफाएं 127, 147, 149 सेवन क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लगा हुआ है। वकील साहब आगे का क्या निर्णय होगा? आगे यहाँ पर दरखास्त पड़ेगी सीएम साहब की है, इनका जुरिडिक्शन नहीं है, खारिज कर देंगे, उसके बाद जिला जज के दाखिल होगा, वहाँ बेल पे बहस होगा, जो होना होगा वहीं होगा। आपको इस पूरे केस में क्या लगता है? आप तो इसमें ऐसा है कि मामला बहुत गंभीर है और मीडिया ट्रायल है, इसलिए जो है यहाँ से बेल होने की संभावना है।